काबिले कदर उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जितने लोगों के सरों में टोपियां नहीं वो हाथ उठाए, जो इसके टोपी नहीं है तो नहीं लाज लागो न, तो नहीं कोई मांगे ने पर टोपी तो फिर मत। इस जब बराती जाएगा कपार में चश्मा अलग, जब मिलाद में अगर टोपिया छोड़ के आए और मौलाना साहब को दवा कबूल नहीं है, अजीब हाल है जी। टोपी जब भी आई लेके आई कुमगढ़ा पालो जोरी इलाके का ये मरकज गांव है, पता आपको नहीं है मुझको पता है, पूरे इलाके में सबसे बड़ी बस्ती यही है, भले ही नाम गढ़ा है लेकिन बहुत ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमनतु बिल्लाहि सदकल्लाहुल मौलानल अज़ीम وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली को इश्क़ ईमान की थाली में सजाकर दायरे अदम में रहकर दिल आत्मा कल को जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्म सल्ली अला सैयदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम औली का या रसूल अल्लाह। सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। और कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, जमाना लाख बदलेगा कुरान न बदला जाएगा। ये नापाक खिंजीर वसीम रजवी जो नाम है जिसने कुरान की 26 आयतों को कुरान से निकालने के लिए कोर्ट में अर्जी दायर किया है, आपको पता है कि नहीं? और उनको शिया बोर्ड के चेयरमैन पहले था, अब वहां के शिया उलमा ने भी उसको इस्लाम से खारिज किया, उसको बायकॉट किया, उसको अपने धर्म अपने मजहब से निकाल दिया। अब उनके फांसी के अलावा कुछ नहीं होगा, लेकिन शर्त है कि सब नौजवान लड़का सोशल मीडिया में जोड़ने वाला फेसबुक व्हाट्सएप में उसकी फांसी की मांग करें। आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े कि नहीं जुड़े उसको या सब अपने अपने फिर पोस्ट करें, पोस्ट ऐसा न करें जिसके किसी धर्म को ठेस पहुंचे, पोस्ट ऐसा करें जिससे लोगों को जागरूक हो। धर्म के खिलाफ पोस्ट करने से गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन अपनी आवाज को बुलंद करना, हुकूमत के खिलाफ बोलना, इससे गिरफ्तारी नहीं होती है। आप हुकूमत के खिलाफ पोस्ट कर सकते हैं, महंगाई के खिलाफ, सबके खिलाफ, लेकिन सबसे पहले अपने मजहब को ज्यादा फॉलो करें जिस मजहब ने हमको जीना सिखाया। आज पूरे इलाके में जलसा कम नहीं होता और हम लोग पर डे तकरीर कर सब आलिम उलमा आ रहे, तकरीर हो रही, तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार, लेकिन ये कौन टस से मस। लोग कहते हैं मुसलमान का दिल काला हो गया, हम कहते हैं काला ही नहीं बल्कि दिल में भोला मार दिया। बहुतों के दिल में 3 इंच ढले, इधर से आलिम मौलमा बात जाती है, उधर से टर्न वापस। कम तकरीर लाके हो रही है, तकरीरें हो रही है, डीजे बज रहा है, तकरीर हो रही है, डिमांड 2 लाख 3 लाख पहुंच गया, तकरीरें हो रही है, पड़ाका फूट रहा है, तकरीरें हो रही है, लोग बोतल प्ले करके बाजार की तरफ दौड़ रहा है। कुमगढ़ा में हम बात नहीं बोल रहे, ये हम जम मधुपुर के ऊपर की बात बोल रहे हैं, कुमगढ़ा का आदमी सब दूध के धोवा
कुछ लोग आया कहा हजरत यहाँ पिता भी है, कहे सगरो पिता, हम लोग भी पिता, हम लोग क्या नहीं पीते हैं, लेकिन हम लोग हराम नहीं हलाल पीते हैं। पीता सब, कोई शराब पीता है, कोई पान पी दूध पीता है, जिसको जो देखें शराब छुपा के बेचता है लेकिन लोग खरीद कर चला जाता है, और दूध घर घर लाता है लेकिन लोग नहीं खरीदता, सेब ठेला में रखता है लेकिन लोग नहीं देखता है, और गुटका बंद दीवान भर कर रखता है, छपना खोल के देता है लेकिन फिर भी चोरी, मतलब जो गलत चीज है उसको लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। शादी में इमाम औलमा बयान करते हैं कि मतलब गुजरात में एक लड़की अभी खुदकशी कर ली, साबरमती नदी में कूद करके, तो पूरे सोशल मीडिया में बातें फैल गई कि कूद गई मर गई, ये ऐसा करो वैसा करो। आज नारायणपुर में एक बैठकी हुई थी, मुझको निमंत्रण किया था, दावत दिया था कि झारखंड से आप भी आए, तमाम मसले के लोग बैठ रहे थे, जहेज होती है तिलक विमान पर कुछ चर्चा किया जाएगा। हमने कहा कि सुनिए, सिर्फ स्टेज की तकरीर से सुधरने वाला नहीं है, इसमें आलिम को भी बढ़ना होगा, औलमा को बढ़ना होगा, इमाम को बढ़ना होगा, नौजवान को बढ़ना होगा, आवाम को बढ़ना होगा, गांव के गणमान व्यक्ति को बढ़ना होगा। अब गणमान व्यक्ति ही अगर 25-30 गाड़ी दरवाजे में लगा दे तो दूसरा क्या कहेगा, गांव के गणमान व्यक्ति अगर घर में जन्नत की तरह क्या कहते हैं पार्क की तरह खूब बेहतर बना दे तो लोग क्या कहेगा, गरीब की शादी में 10 रुपया मांगो छोड़ा घर में हो रहे लेकिन 100 देते लियो, और अपने बेटा की शादी में एक झोला पड़ाका ले निकलता है, लगता संधि नहीं आतंकवादी निकला, नहीं देखते इलाके में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख बेटी वाला बेटी परवरिश करके अपने घर में, तुम कितना बड़ा खानदानी भीख मांगा हो, सोएगा तेरा बेटा पलंग देगा बेटी वाला, खाएगा तेरा बेटा बर्तन देगा बेटी वाला, पहनेगा तेरा बेटा कपड़ा देगा बेटी वाला, सजाएगा तू घर का सामान देगा बेटी वाला, रखेगा सामान तू गोदरेज देगा बेटी वाला, अपना चेहरा देखेगा तू सिंगार देगा बेटी वाला, तमाम बर्तन तमाम चीजें देता है, तुम खानदानी भीख मांगा ना पापा, शर्म नहीं आती, बर्तन दे रहा है बेटी वाला, खाली खाना बर्तन तक देता है, चेयर दे रहा है, गोदरेज अलमारी खाली गोठाया, अब कुछ दिन बाद गोठा भी देगा मार दे, नहीं मुसलमान को शर्म आ रही है, शादियों में इतनी खुराफाती होती है जिसका कोई हद नहीं, एक इमाम अगर निकाह पढ़ा रहा है तो उनको 1.5 हजार देने से पूरा कमेटी बैठ करके बोलिए कौन किताब में लिखल है, तो जहां 3 लाख लिखल है वहां नहीं सुझता है, 3 लाख लिया वहां किताब नहीं देखा, इमाम को 1.5 हजार 2 हजार देगा बोल सदर फैसला कर यार, तोटा क्या फैसला कर, ये जबरदस्ती नहीं चलेगी। अब हम लोग भी ठान लिए कि जो होगा दिखा जाए, हम लोग भी ठान तकरीर कर रहे हैं, लोग समझ नहीं रहा, अभियान छेड़ना होगा और बगैर अभियान से ये मसला हल नहीं होगा। कितनी कुंवारी गरीब की बेटियां बैठी है, चलो मधुपुर में दिखाएंगे, चलो आपको बगल बगल गांव में दिखाएंगे, बस 23 साल 24 साल लड़की हो गई है, बाप बेचारा किसी के बेटा खरीद नहीं सकता, अब वो बेटी क्या करेगी, बेचारी मजबूरी है। बता मुसलमानों, आज तुम अपने दरवाजे पे नाच गाना पड़ाका 20-20 गाड़ी, कल एक सारण से बरात आई, कब सा नोट बोर्ड उसके पास था, उसने कहा कि 100 गाड़ी ले आया, अल्लाह तौफीक दे तुम 2000 गाड़ी ले जाओ, लेकिन उन गाड़ियों को लेकर के किनको दिखाना चाहते हो, बेटी वाले 10-20 गाड़ी किनको दिखाते हो मुसलमानों, बेटी वाले को जिसने तुमको खेत बेच के दिया, ये कौन मर्दानगी है तुम्हारी, उसके दरवाजे पर 20 गाड़ी लगाते हो, अगर पैसा नहीं देता तो समझा ठेला पर बाप बेटा लेके ठेलते ठेलते बेटा पर ठीक से पकड़ियो कंगा ठेलो ही, ये तो दूसरा पैसा होता है इसका तू लेन लगा देते, शर्म नहीं आती है दूसरे के पैसे दूसरे का दरवाजा और उनके दरवाजे पर पड़ाका फोड़ते हो, एकदम हया शर्म से मुसलमान धोखे पी चुका, उनको दिखाते हो पड़का जो बेचारा बकरी बेच के पैसा जमा किया, जो अपने जेवर बेच के बीवी के जेवर तक बेच दिया अपनी बेटी की शादी में, और तुम उनके दरवाजे पड़का फोड़ते हो, कपार में चश्मा पहन के जाते हो, रजनीगंधा खा के थूक तो शर्म नहीं आता, डूब मरो, सिर्फ जलसा सुन लेने में कामयाब नहीं है, अगर इस कुमगढ़ा के जलसे में आए हुए अगर एक भी नौजवान इस बात को अमल कर लेगा, कसम खुदा की तू यहाँ भी कामयाब हो जाओगे वहां भी कामयाब। शादियों में खुराफाती गैरों की तरह मुसलमानों का रोने लगे,
गैर लोग जैसे करता था। अच्छा औरतें भी कम नहीं बिगड़ी है, शादी में जाती है तो एकदम हो ना, एक बैग कपड़ा लेके जाती है, 10 कपड़ा ले बेटा, हरदी ददी तखन पिनबो, बेटा बजता दो तखन पिनबो, बेटा मड़वा पर पिनबो, बेटा विदा करी तो खा गए 6 गो खाली बदले बदले फेरन लवली लग जाती है, इतना मोटमोट हां सब सब जा बढ़िया थे। ये कौन सिस्टम, जब बराती गाड़ी सुन लिया बराती जो फिर 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 को हसब को को पचला को फसवास लगा कर बढ़िया दिया। अरे बाप, होंठों में छोर में भी लाल लगा के लगता बहुत करजी क्या क्या, ये मुसलमान घर में होने लगा। बता, मां अपने शोहर के लिए श्रृंगार शरीयत में जायज है, अपने शोहर के लिए सजना सवाब है, अपने शोहर के लिए बनाओ श्रृंगार करना ये नफर का सवाब मिलता है। वहां तेरा शोहर नहीं, तू कपड़े पे कपड़ा बदल रही है, तू फेरन लवली लगा रही है, तू चेहरे को सजा रही है, ये कौन देखेगा, ये कोई गैर मर्द देखेगा। और जिनका बाल जिनका चेहरा इस नियत से वो औरत सजती है कि मेरा चेहरा कोई गैर देखे, कल मैदान महशर में उस औरत के चेहरे को बदल दिया जाएगा और उनको सर के बल बांध के लटका दिया जाएगा। ऐसा भी होता है, बन संवर करके वो खड़ा है और जहां टी लटवा रहे होते हैं देख बेस दिखा दे। अच्छा कुछ औरतें पंजनी पहनती है उसमें पांजेब होता है घुंघरू, मां से बैठे हैं सबसे बड़े आलिम से लाके के पूछ लीजिए, घुंघरू वाला जेवर औरतों को पहनना हराम है। जिस घुंघरू जिस जेवर में घुंघरू बचता, एक दो औरतें पैसा ज्यादा हो गया एटीएम मार लिया हराम का कमा लिया इधर से उधर आ गया एकदम छन न छन न लागत ने हन लड़ू को नेटवा ना चला चल गया। अजीब माहौल, अब आप बैठ के देखिए वहां रोड पे बैठा रहे चुपचाप, दो औरत चली गई बगैर जेवर वाली बगैर घुंघरू वाली, आप नजर नहीं उठाएंगे और जहां पर छान छान ना मुराई की उड़िया तो देखिए खेल खेल उठो ना मुराई उठो ना क्या। तो बता, तू अपनी बेटियों को कब पढ़ाओगे, घर मकान में डर से मत लगा, मार्बल बन सजा, आप अपने घरों को खूबसूरत बना, बेटे के सीनों में इल्म इतना डाल दो कि तेरा बेटा गली कूचों में खेल बैठेगा नहीं बल्कि तेरा बेटा चलेगा ऐसा लगेगा जैसे कोई गुलाम हुसैन चला। बेशक बेशक, बहुत कल की माँ कुरान पढ़ती थी, बाजार का जाम लग रहा, कल की माँ कुरान पढ़ती थी, अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर की माँ कुरान की तलावत करती, माँ पर कुरान पढ़ती बेटा पेट में होता, माँ याद कुरान पढ़ती बेटा याद कर लेता, माँ तलावत करती बेटा हिफ्ज कर लेता। और जब गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में आए तो 17 या 18 पारा का हाफिज कुरान बन के आए, माँ सजदा करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ नमाजें पढ़ के सोए बेटा गरीब नवाज पैदा हो, माँ इबादत करके सोए बेटा मुफ्ती अब्दुल हाफिज मिल्लत पैदा हो, माँ नवाफिल का एहतमाम करे बेटा अब्दुल हाफिज मिल्लत पैदा हो। कल की माँ कुरान पढ़ती तब सोती, सजदा करती तब सोती, इबादत करती तब सोती, तलावत करती तब सोती, बेटा को सो खाजा पैदा होता। आज की माँ टीवी देखती है तब सोती है, मोबाइल देखती है तब सोती है, सीरियल देखती तब सोती है, गाना सुनती है तब सोती है, तो उनके पेट में गुलाम वास नहीं पैदा होता, गुलाम फ्री फायर पबजी पैदा होता। हर गली में देखिए 10-5 बेगरिया वाला गुलगुलिया वाला खतम कर गली को जाम बैठा, उसको पढ़ाई से मतलब नहीं, उसको शिक्षा से मतलब नहीं, आसान हो रही कोई गम नहीं, मौला गुजरना कोई गम नहीं, माँ बुला रही कोई ध्यान नहीं। तो 10-11 रात हम लोग जब तकरीर करके जाते हैं देखते हैं एकदम 10-20 बजे रात गली को चमकी, एक जगह कहाँ पर इधर जा रहे थे हम लोग तो लाइन में घूम रहे थे, लड़का लोग खेल रहा था, हमको क्या पता इसमें क्या होता है, ठीक हम लोग लाइन घूमे मार मार तू बंदा तू बंदा निकल मार 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 तू बंदा तू बंदा नहीं रहते तू बंदा चले हम ही लोग तो बंदी कर रहे थे और वो वही कह रहा था मार मार तू बंदा तू बंदा निकल 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 मार ये बस कर यार तुम्हारा बैठा ले गए बजे रात एकदम गुलगुलिया
बैठा पुस्ता नहीं। अच्छा बाप शादी के लिए आएगा तो फिर यार दौलत मांग करेगा, यही बाबूजी वाला बेटा, यही फ्री फायर वाला बेटा, यही चिकना कमी वाला बेटा, यही बोतल वाला बेटा, यही डीजे वाला बेटा। घर मत बना बेटे को पढ़ा इतना, हाथ में तजारत दे दे, हाथ में हुनर दे दे, ताकि बेटे वाले की दौलत में नजर न पड़े। इतना उसको कारोबार दे दो ताकि भीख मंगना के तरह न मांगना पड़े। ऐसा कारोबार थमा दो ताकि दूसरों की दौलत को हाथ में लगे न मांगना पड़े। और बेटियों को इतना शिक्षा दे दो ताकि चले चले की जरूरत न पड़े। तूने बेटे नहीं पढ़ाया इसलिए दिल्ला देने में मजबूर हो, और तूने बेटे को तजारा नहीं दिया इसलिए दौलत देने में मजबूर हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी साहब तिगला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज में देखिए मैं बहुत थका हुआ हूँ। जनवरी फरवरी मार्च में कोई तारीख नहीं रहती, पर डे एक दिन दो दिन काम करना पड़ता। आप लोग इतना चाम बैठे हैं, लगता नहीं प्रोग्राम में बैठे हैं, लगता है कोरोना वायरस जाँच कराने आए हैं। ऐसा मत बैठिए कभी कभार मचल के, कहिए मन को हाथ उठाई भाई बनाते हैं, कहिए हाथ उठा के यार रसूल अल्लाह या अल्लाह। जितने लोगों ने 12 बजे रात के बाद बाहर में आवा गया इस प्रोग्राम में हाथ उठाया मौला, 12 बजे नौजवानों के हाथों में रोजे गुजार रहे मौला, 12 बजे नौजवान के हाथों रुझे मौला, और अपने गाँव के मस्जिद के नमाजी नमाज पढ़ते हैं। आप लोग नमाज पढ़ते हैं? घर में बीवी जो है वो दिमाग में परेशान, शोहर के लोग खोज के सुने दो, बीवी खोज के ला दो, लोटा पानी भर दो, लगता है घर का मकान है। कुर्ता पहन लिया वो जो अपने आप टोपी भी कर रहा है, तो क्या तुम जो ना रख ले कहां कर रहे हो? अच्छा ठीक है, क्या सुन पहले का ये खोजे कि मुसलमान मुसलमान के लिए वो पहने का तो अजीब है, पर तो भी झूठ झूठ के सुन रहे हैं यदि ये पीने वाला खाना नहीं होता। आज मेरी हर जगह मेरी तकरीर ऐसी हो रही है कर्जियम ला तकरीर सुनो या ना सुनो, प्रेम से बड़ी तकरीर किए, मोहब्बत से बहुत किए, हाथ उठा के किए, मचल के किए, जब तो लाठी ले जाते देवेश पर से जाते हैं। इतना बगड़ा है लगा लो, कसम खुदा की हसरत अजान के टाइम में मोबाइल फोन नहीं करता। शादी में वो गाना वो ना इतना खतरनाक, इतनी बड़ी बड़ी टोपी पहन के हम शादी करने नहीं जाते शर्म से। तू ठीक सास हो पूरा मेहमान को तुम खुश अब वहां टोपी सर से हिलने लगे, हम लोग मना करने जाते नाच डीजे बंद करो सब मना ना अल्लाह ने मामा को वहां बहुत नए तो हजरत से अपना सभी ने मामा जब ये काली मामा ये देखा तुम लोगों को नहीं रोकना सीने से लगा ले, मामा का दीवान होगा, दीवान विश्वास है, विश्वास हराम है, हराम आओगे ना चेहरे पे रोशनी होगी ना रोजी में बरकत होगी। ए मुसलमानों तौबा कर ले, अब हम दीवान मांगेंगे नहीं, बेटी वाला
शौक से देगा ले लो, बेटी वाला मोहब्बत से देगा ले लो, बेटी वाला प्रेम से देगा ले लो, बेटी वाला अपने से देगा ले लो, बेटी वाला खुशी से देगा ले लो, वो जायज होगा, वो हलाल होगा, वो पाक होगा, वो जायज होगा। मांग के मांगोगे दीवान बन जाएगा, दीवान का दूसरा नाम रिश्वत बन जाएगा, रिश्वत का नाम भी तो हराम है। हराम खाने मिलेंगे न चेहरे पे रोशनी होती है, न यहाँ वाला होगा, न कल मैदान में शर्म वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन हरकंडी साहब क़िबला। सौरत है और खास कर इमाम महमूद आप भी साथ में आए, आप तो नमाज पढ़ती भी हुई 95% हम तो नमाज नहीं पढ़ती, पढ़ती है नहीं पढ़ती, 95% नहीं पढ़ती, 5% पढ़ती है। नमाज पढ़ने के लिए नमाज क्या करते हैं, डॉक्टर जवाब दे दिया किसके बुखार में नहीं ठीक होगा, खाली कान के पास कर दे दिया जाने और पता चट्टी जाने 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 उसको नमाज से इसलिए आज जो तुम्हारे बर्बादी आने लगी ना, इसे कोई ऐसे वैसे नहीं है, घरों की तरफ से ये मेरी माँ बहन है, आपका कितना बड़ा मकाम है, इतना बड़ा मकाम है, एक बेटा मौलाना बने, बेटा हाजी बने, बेटा नमाजी बने, बेटा मौलाना बने, बेटा शाह बने, बेटा मुफ्ती बने, बेटा पीर बन जाए, लेकिन उनके कदम में जन्नत नहीं है। अगर जन्नत है वो बेटी जिस दिन माँ बनेगी, बेटी लंगड़ी है, बेटी गोंगी है, बेटी लूढ़ी है, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं उसी माँ के कदमों के नीचे मुफ्ती जैसे बेटों के लिए जन्नत। बाराते बाराते मेहनत कर रहे हैं, अब तो वह देखिए मेरी तबीयत में हाथ पांव दुख रहे हैं, वहां से साहब अल्लाह अब्दुल गाली बैठे हुए हैं, इस इलाके में जब कुछ नहीं था उस टाइम जो की बड़ी मेहनत से इस इलाके में कुछ नहीं ये पा जाए जगह पर कुछ नहीं सैकड़ से चल चल के लोग मिलाते हैं 20% क्या 10-20 लोग पढ़ते हैं मेंटल केस पे दिया ठीक दवा करते हैं मेंटल वाले ये कुछ टाइम में हमने मिला आज तो मत पूछे कि वो शहर आएगा लड़ा निकलेगा मचल के कहो सुभान अल्लाह छूट के कहो हाउ हाउ अल्लाह उस समय हम सब चल के कहो लेकिन क्या होगा कितने हो तो अभी वो शहर आएगा इधर कैसे आता वो करूंगा उसका मतलब हां नाम क्या था हम तो नहीं कहेंगे वो आया अली 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 यहाँ जो पढ़ा था अच्छा चला चला पढ़ता बंदे बोला मैं पढ़ा एक से चला था चुपचाप यही शायर बंबे से आकर के अभी काफ़त काशिम है कि साधारण पढ़े कहाँ कहाँ का पढ़े अच्छा अच्छा हम लोग ने अलग सी बात का लेकिन यहाँ कुछ लोग ध्यान नहीं करते लोग फिर पर कोई बाहर से आकर 30-40 जन ले ले अपने मशीन ले जाओ उससे बढ़िया जैसे शायद पूरे महफिल को बकवाद ना करते अब उसके महफिल में ज्यादातर महताल जा पीर अल्लाह जमो बंदीवाना से करूं की करूं दे रहा हर मशीन के अपने इमाम को हम दर्श कर लेते नहीं शादी नहीं दे देते बेटा बाप पूरे घर सजाएगा गाड़ी सजाएगा पूरा सामान इंतजाम करके अरे इमाम मौलवा को बुला के अपने दरवाजे पे मिलाद रखेगा कल पर आ जाएंगे आज मिलाद करना है मिलाद करवा लेगा 12 महीने रात तक अरे इमाम साहब को घर पे नहीं दे देगा पर सुन ले मौलवा साहब से हाथ हाथ कर सुन अगर मकान पागल ना करे तो क्या
उसको सौसा बाजा वाला दे दिया 20-25 हजार, पड़ाका वाला 10 हजार, गाड़ी वाला 50 हजार, एकदम दूल्हा निकला है जो जिंदगी कभी पेशाब करके पानी नहीं लेता है, और शादी के दिन वो शेरवानी एकदम सबसे पांव तक एकदम वो शेरवानी आसनसोल से पेशाब करके जिंदगी पानी तक नहीं लेता, और शादी के दिन देखना वो हुब्बा वो जुब्बा वो पगड़ी वो चश्मा और इतना इतर लगा के निकला है, लगता है जिन्नात के खानदान से उठा के लाया है, और वो जूता ला तो बोदो अजी पश्चिम पूर्व कुछ ना अभी जगह देखा उसको ध्यान थोड़ा के पश्चिम पूर्व किधर है, जिंदगी देखा नहीं चल रहा है 10-20 लड़का उसको ए लोगो शादी मजहब इस्लाम में सबसे सस्ता है, तूने महंगा किया है और अपने शिक्षा उसको सस्ता सस्ता कर दिया है, पहले शादी को सस्ता करो, तूने बेचो को बेचना बंद करो, बेटों को पढ़ाना शुरू करो, तूने शादी को इतना महंगा कर दिया है कि गरीब के बाप अपनी बेटियों को देख देख के रात रात भर उनकी आंख की नींद चली जाती, दिन का चैन चला जाता, पेट में भूख खत्म हो जाता, दिमाग में सोच बंद हो जाता, अब अंधेरे सामने अंधेरा जाता, ये कौन करता, चंद हराम की कमाई करने वालों तो अपने घरों को कब तक ऐसे सजाओगे, अरे उन गरीब की झोपड़ी में सजा दो जहाँ बेटियां सिसक रही है, जहाँ बेटियों की आंखों में आंसू है, कसम खुदा की जब वो बेटी जिस दिन माँ बन जाएगी आका फरमाते उनके कदमों में जन्नत है, चार खर्चा करके मक्का जाओगे हज करके आओगे गारंटी नहीं दे सकता कि तेरा हज कबूल हो गया, आका फरमाते अगर माँ बाप का चेहरा एक बार बेटा मोहब्बत से देख बेशक नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत सरजमीन कुमगढ़ा नारे इसलिए लोगों कोशिश करो अच्छा काम करना, और मेरी माँ बहने आपको अच्छा काम करना है, औरतें खासकर आप नमाजी बन जाएं और औरतें अपने आप में बचाएं, कल फातिमा जहरा हजरत मौला अली की बीवी है, नबी की बेटी है, फातिमा जहरा है देखिए अगर वो 100 रुपया दिया तो उसको मिसला कर दिया गर्दन में सिकड़ी, अच्छा सिकड़ी का सिकड़ी का है पहनता, सिकड़ी गर्दन में है, हाथ में चूड़ी है, कान भी छलवा लिया, खाली नाक बचा, 2022 में सबको नथिया वाला मर्द बड़ा घोरे लगा गर्दन में सिकड़ी, तौबा करो आलिम बैठे हैं मौजूद, सिकड़ी पहन के जाओगे जेवर तेरे लिए नहीं है, उन जेवर को उतार के किसी गरीब की बेटी के गर्दन पे डाल दो, वो बेटी मुस्कुराएगी, तुम्हारा यहाँ भी भला होगा, तुम्हारा वहाँ भी भला होगा, अल्लाह ने दौलत दी है तो सिकड़ी मत पहनो, दौलतें दी है तो अपने हाथ में चूड़ी मत पहनो, दौलत दी है कार को मत छदवा, अल्लाह ने दौलत दी है उन पैसों को बेहतर लगा दे और अपने माँ बाप की खिदमत कर ले, माँ बाप का चेहरा देख ले, माँ बाप से मोहब्बत कर ले, जब तेरे माँ बाप जिंदा है उनकी खिदमत करते रहो, उनकी सेवा करते रहो, उनका चेहरा देखते रहो, उनसे मोहब्बत करते रहो, हे मुसलमानों अजमेर बाद में जाना, कलियर बाद में जाना, कछोछा बाद में जाना, देवा बाद में जाना, फुलवारी बाद में जाना, मक्का बाद में जाना, मदीना बाद में जाना, पहले झोपड़ी में रहने वाले बूढ़े माँ बाप को खुश कर लो, अगर तेरे माँ बाप से राजी हो गए तो अजमेर का खाजा भी राजी होगा, मदीने का राजा भी राजी होगा। नारे तकबीर नारे रिसालत उलमा अहले सुन्नत। वाह हम लोग माँ बाप जब तक माँ बाप चलता है हम लोग नहीं ध्यान देते नहीं खिलाते, जिस दिन माँ बाप खटिया पकड़ लेता है जब तक चल फिर रहा बेटा ना ध्यान बहुत ध्यान नहीं देता, जिस दिन बाप खटिया पकड़ा माँ खटिया में सो गई खाना पीना बंद, जाके उसका पोतवा दौड़ के कहा कि दादा खाटी पकड़ लिया, बोलो बापू खटिया में सीध गेलो ने, अच्छा जा ये पालो जी रसमलाई लेके, जब खटिया पकड़ा मुंह बंद तब रसमलाई, बापा ए बापा हम बड़का है क्यों ले रसमलाई खा, बुढ़वा देखते अभी नहीं दे रहा
अभी किसी कोई बेटा लाके दिया बाप के हाथ में बेटा बाबा ले खा के दुआ कर मार नहीं खाटी पकड़ेगा तब उसकी पुतो आए पुतो जो जिंदगी में अपनी सास को लाल चाय तक नहीं देगी आज जब बुढ़िया सास खाटी पकड़ लेगी उधर से दूध गर्म करके बच्चन लो हम मैली पुतिया के माया एक ढोकार पी ले माया ले खटिया पकड़ने के बाद घूम रही है उनके सेब संतरा अगल बगल अब अभी क्या खिलाते हो हे नौजवानों अभी माँ बाप जिंदा है पहले खिला लो दवा ले लो कसम खुदा की माँ बाप तुमसे राजी हो जाएंगे तुम जिधर चलोगे दुनिया देख कहेगी देखो आशिक मुस्तफा चला जहाँ पर जाओगे दस्त तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े बड़े जुल्मात में दौड़ा दिए जरूरत है तालीम की शिक्षा की एक इमाम मस्जिद में रखो मौसिन भी रखो मकतब में इमाम मौलाना भी रखो बच्चों को पहले पढ़ाओ और एक इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में मिनिमम 10,000 से ऊपर 10,000 सबसे बड़ी तनख्वाह दे रहे हैं अभी इलाके में आपने हक अदा किया फिर भी कम कम से कम 10-12,000 होनी चाहिए इमाम की तनख्वाह कुछ गांव में देखिएगा 4,000, 5,000, 3,000 ऐसा मत करो इमाम इमाम होते हैं भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मोहल्ले के इमाम को सताता है 24 घंटा ड्यूटी 6,000 टका तनख्वाह और पूरे गांव की नजर फिर इमाम पर इमाम कहां जाता है किसके घर में बैठता है किससे बात करता है पूरी नजर इमाम पे रखते हो वो नजर घर के बेटा बेटी पे रखो मुसलमानों तुम इमाम के पीछे क्यों पड़े हो वो बेटी बेटा पीछे पड़ जा तू इमाम को देख दे कहां बैठता और तेरा बेटा 3 बोतल पी के घुड़मुड़िया मारा वो नहीं सुनता इमाम सुनेगा हर जगह हम लोग अगर मोड़ में रख नमाज के टाइम में अजान हो गई बल मौलाना साहब अजान भेलो तो ने सुन ली तो सुन ली तुम कहन के हमरा के ले तो बोले जान दिल को लातू के वाला मौलाना साहब ठेड़ वाले जान दिल को अकेले तो बोल हम मक्का से आ रहे अजीब माहौल है हमको करा अजान दिल अपने नहीं सुनी इतना काम खत्म में लगा हम लोग हो गया यहां भी पांच हो खत्म एकदम बेसी हो गया कुछ भी अंकल भी होगा एकदम होना है चेक करो ना निकल जाएगा लेकिन लोग चेक नहीं कर तो पिए अपन तो बर्बाद हो तुम्हारा बाप जब देखेगा तुम्हारा बेटा बर्बादी के कगार में हम लोग का काम है समझाना समझ जा वरना एक दौर आएगा अभी तुम जो देख रहे हैं ना वसीम रजवी जो कुरान के 26 आयतों को निकालने का समर्थन किया उसमें एक शायर क्या नाम है वो भी समर्थन दे दिया एक दौर आएगा कि तुम्हारे मजहब पर हमला शुरू हो चुका है पूरी दुनिया संगठित हो गई मुसलमान को मिटाने के लिए आप किस खेत में हो अभी यूपी में योगी ने एक अभियान चलाया है 4,000 से ज्यादा मदरसा मस्जिद को टारगेट किया तोड़ने के लिए और बहुत बुलडोजर शुरू कर आपको क्या पता है बावरी मस्जिद खड़े खड़े तोड़ा दुनिया ने देखा फैसला हुआ दुनिया ने देखा बना रहा है दुनिया ने देखा दिल्ली में दंगा हुआ पूरी दुनिया ने देखा एनआरसी सीएए के खिलाफ कितने मुहिम चले कुछ नहीं किसी ने नहीं किया ये मुसलमानों वक्त बड़ा भयानक आ रहा है संगठित बन जाओ एक हो जाओ शराबों में पैसा बंद करो जुआ में पैसा बंद करो शादी सुन्नत पे अमल कर लो मस्जिदों में बैठा के शादियां कर दो और उनके गर्दन पे फूल माला डाल के छोहाड़ा बांट देना उनके नस्लों में जो बेटा पैदा होगा वो गुलाम हुसैन पैदा होगा बेटी पैदा होगी कनीज़े फातिमा पैदा होगी और वही बेटी ससुराल जो ही कदम रखेगी कसम खुदा की उनका शोहर मजदूरी करके घर वापस थके हारे आएंगे किताबों में आया है जो बीवी अपने शोहर के घर आने पर सामने जाकर हाथ में पानी देकर बगल में बैठकर उनके गम में जो बीवी शामिल होती है एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब सिर्फ शोहर के बगल में बैठने से मिलता है ये कौन सिखाएगा आपने पढ़ाना छोड़ा है और आपने मांगना चालू किया है नौजवानों जलसा रात भर होती रहेगी एक जलसे में एक आदमी अमल कर लो आज कुंभघड़ा में कल मेरी तकरीर इसी इलाके में होगी ये जमुआ और बेदगवां दो जगह कल मेरी तकरीर होगी
मैं वहां जाके चर्चा करूंगा कि हम कुमगढ़ा गए थे, कुछ लड़कों ने मेरे साथ दिया। मेरे साथ दोगे भाई? मेरे साथ दोगे भाई? दोगे? हाथ उठा के मेरे साथ दोगे? चलिए माशाल्लाह, मैं एक वादा आपसे करा रहा हूँ। देखिए मैं आपके बीच में कुमगढ़ा करके मैं घोषबात कराने वाला हूँ। कर्मठान का यूट्यूब में जा रहा है, पूरा फेस पूरा चलेगा, ये आएगा लाइव में दिखाया जाएगा। मैं घोषबात कर्मठान कराने वाला हूँ आपके कुमगढ़ा में आकर के, हाथ उठा करके ओलमा के बीच में स्टेज में अल्लाह और रसूल को हाजिर नाजिर जान करके, समझ करके, हाजिर नाजिर मान करके मैं गवाह बना के कहता हूँ, मैं अपने बेटे के शादी में कभी भी बेटी वालों को तंग करके, डिमांड करके, रिश्वत करके, मांग मांग के पैसा नहीं। है ना कोई मर्द? एक आदमी कहते झारखंड साहब, अगर आप नहीं लेंगे तो मेरी भी हिम्मत है, हम भी नहीं लेंगे। और मैंने कहा मत लो, मैंने कभी नहीं कहा तकरीर में मत लो, बगैर मांगे मिले उसको मत छोड़ो। बगैर मांगे मिले तोहफा समझ के लो, मांग के मत लो। कोई ऐसा है? मैं कहता ही नहीं हूँ चाहे हराम नहीं है, चाहे ईमान हराम है, अगर ईमान करोगे वो तेरे लिए हराम होगा, और जहेज के रूप में खुशियों में दे दे तेरे लिए हलाल होगा। सीने से लगा लेना, कसम खुदा की यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब। है कोई मर्द? है किसी के पास बेटा? हिम्मत है? कोई कह सकता है मौलाना हाथ उठा के कहते है बेटा किसी के पास? सामने से बैठा ले, हिम्मत पैदा करो, हिम्मत। तकरीर सुनना आसान है। कोई मर्द? एक लड़का कोई खड़ा होकर कह दे कि मैं डिमांड नहीं करूंगा, बगैर मांगे मिलेगा ले लेंगे। एक लड़का खड़ा हो जाओगे, एक गरीब की बेटी के कल्याण हो जाएगी, तेरा रिश्ता करने आएगा। कौन नाम है गरीब का? क्या नाम है? मुड़ा ने दिखाया, कल हाथे दिखाया नहीं, वो नौजवान लड़का है। आओ बेटा, बस कुंगड़ा में काम हो गया, ये काम कर। शादी नहीं हुई है बाबू? चलो इधर आ, देख ये काम हो गया। अपने बाप से कह देना मुझको मत बेचना। क्या नाम हो गया? आफ्ताब अंसारी। शादी नहीं हुई है? चोई की मान दे क्या? आफ्ताब अंसारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक आफ्ताब ने कुंगड़ा की जान बचाई, इज्जत बचाई। हम डिमांड नहीं करेंगे, ये आपको अहद करो। रात भर तकरीर होगी, असर नहीं होगा। दो आदमी कबूल कर लोगे, जलसों पे भारी हो जाएगा पूरा जलसा। एक आदमी ने आफ्ताब बाबू ने कहा मौलाना हम डिमांड नहीं करेंगे, बगैर मांगे अगर बुलेट दे देगा तो ले लेंगे। कहो सुभान अल्लाह, बगैर मांगे दे खुशी से बेटी को घर बसाने पे तो ले लो, मांगोगे वो हराम होगा, हराम। है कोई और एक लड़का? नौजवानों आगे बढ़ो, कुमगढ़ा वालों, कल मेरी तकरीर होगी, ये जाके कहेंगे, वहाँ भी नौजवान जागेगा, परसों वहाँ जाएंगे, वहाँ जागेगा, फिर वहाँ कहीं जाएंगे, जागता चला जाएगा। एक दौर आएगा जब सब नौजवान जाग जाएंगे तो तेरे कौम की बेटी यूपी नहीं जाएगी, तेरे कौम की बेटी कश्मीर में नहीं बिकेगी, तेरे समाज की बेटी बम्बे के चक्रों पे सौदा नहीं होगा, तेरे बरादरी की बेटी गोरखपुर के मंडियों में नीलाम नहीं होगा, तेरे झारखंड की बेटी गोरखपुर के बाजार में बेचा नहीं जाएगा, तेरे देवघर डिस्ट्रिक्ट की बेटियों को दिल्ली चौराहे पे बेचा नहीं जाएगा, यूपी बम्बे अहमदाबाद मुरादाबाद कश्मीर में सप्लाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुम डिमांड बंद कर दोगे, खुशी का सौदा करोगे, सुन्नत अदा होगी, इलाका जाग जाएगा, खुशियों की लहर हो जाएगी। जब ये नौजवान जागेंगे तो तेरे कौम की बेटी यूपी में जाके नहीं मरेगी, गुजरात में नहीं सिसकेगी, बम्बे में दम नहीं तोड़ेगी, क्योंकि प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जहाँ बेटियाँ होती है रहमतें वहीं आती है, जहाँ बेटियाँ होती है बरकतें वहीं आती है, जहाँ बेटियाँ होती है बहार वहीं आती है, जहाँ बेटियाँ होती है खुशहाल वहीं आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बार बार यूट्यूब में, बार बार फेसबुक, व्हाट्सएप में मैसेज आता है कि झारखंडी साहब जहाँ भी तकरीर करें इस जहेज, इस डिमांड जैसे नासूर ये रस्म पे जरूर बोले। तो मैंने तहिया किया है कि अब इसी पे गुफ्तगू हो जाए। एक लड़का आफ्ताब बाबू है, और इनमें से कोई है बेटा? किसी की हिम्मत है? मर्दांगी है? शक्ति है? हाँ, मोहब्बत है? प्रेम है?
मैं पक्का ईमान वाला है कि लड़का और खड़ा हो जाओ। अरे जमीन आसमान सब है, सूरज चांद है, सितारे सब है, लेकिन एक लड़का तन्हा होगा तो क्या कहेंगे। कम से कम इतना मजबूत दो लड़का। जलसा करना आसान है, जलसा सुनना आसान है, नारा लगाना आसान है, हाथ उठाना आसान है, जुलूस लेके चलना आसान है, घर सजाना आसान है, अमल करना मुश्किल है। इतनी मेहनत के बाद भी एक से दो नहीं हो रहा है तो फिर कैसे तकरीर मेरी आगे बढ़ेगी। अगर आप लोग चुपचाप बैठे रहिएगा तो हम भी इसी पर रट लगाए बैठेंगे, चाहे बिहान हो जाए तो कोई गम नहीं, जो पैसा है वो तो देवे करे। नहीं हिम्मत होगी साहब, खाली फुसका फुसका फुसकतो की बोल हमर कर हमर मारतो बोल हम तो बोलतो वह दू चट्टा। और अगर कह दिया हो सकता कोई बेटा कह दे घर चला जाए, उसका बाप अरे अरे की कर ली मां आता है ना थोड़ा काटबो काटबो चलो हम 2 लाख लेके हम 3 लाख ला बेटवा घर से बाहर कर देंगे। एक दूगो लड़का सोचता भी है यार अल्लाह अगर हाथ उठा देंगे और बाप कह दिया अरे भाई उठा ले तो रहता काट लो, ऐसा भी ऐसा नहीं कहेगा। हिम्मत करो, मांगने से ज्यादा तुझे मिलेगा, लेकिन तू कभी इस तरह नहीं कर सकते हो क्योंकि तेरे अंदर वो हिम्मत नहीं, बुजदिली बना गया है। इसलिए ये लोगों सबसे पहले तालीम, सबसे पहले शिक्षा, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। ए मेरी माँ बहने तू भी अपनी बेटी को इतना पढ़ाओ दिल से, इतना दो कुरान भी पढ़ा दो, दीनी तालीम भी दे दो और उसको इसको तक पढ़ा के तहजीब व तमद्दुन के दायरे में लाके खड़ा कर दो, सीना परोना सिखा दो, इतना सिखाओ ताकि तुझे ये डिमांड जैसे लानत से ना गुजरना पड़े, बल्कि बेटा वाला तेरे घर शौक से आके तुम्हारी बेटी को बहू बना के ले जाएगा। तूने पढ़ाना छोड़ दिया है, बेटियों के हाथ में मोबाइल मत देना, बेटों के हाथ में बैग मत देना, अरे बेटों के हाथों में कुरान दे दो ताकि वो कुरान पढ़ेगा, वो बेटा समझेगा कि समाज क्या है, ईमान क्या है, अकीदा क्या है, मजहब क्या है, दीन क्या है, सुन्नत क्या है, दुनिया क्या है। जब समझेगा जब तेरे बेटे के सीनों में इल्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। लेकिन आज कुछ गढ़ा में है, लेकिन लोग सुन रहा है, बहुत अच्छा सुन रहा है। और थोड़ी देर बोल दूं और थोड़ी देर बोल दूं लगेगा थोड़ा तो मेरी तकरीर एचडी होने लगी। माँ बहने आप भी थोड़ी देर सुने, आपको यहाँ वहाँ जाना नहीं है। आप जो है ना बहुत औरतें देखिएगा जुमरात को जाइएगा, सागर जुमरात पूरे इलाके में हर घर के तो औरत नहीं जाती है, लेकिन अक्सर औरतें भूत के बहाने से घर में नमाज नहीं पढ़ेगी, मुसल्ला नहीं बिछाएगी, सजदा नहीं करेगी, तिलावत नहीं करेगी, इबादत नहीं करेगी। उसको जब कोई तकलीफ थोड़ी सी हो डायरेक्ट सारा पूछती है औरतें कहाँ जा रहे हैं, बोल तो है नहीं जाऊंगा दीदी हमारे कर्जिया खा गए हम सारा जा कलिए फोक्सिया और ना वटे में रहो। अब वहाँ जा करके घर में कहेगी भूत लगल, तो जब भूत लगल जाके वहाँ सूतो वहाँ सिंगड़ा खोज के खाती, वो भी चटनी मिला के, तो भूत कैसे पता होता कि सिंगड़ा चटनी मिला ना। हाँ भूत इतना ही जोड़िया, ये भूत नहीं भूता ही, कसम खुदा की हम लोग देखते हैं मधुपुर रेलवे स्टेशन में खाली मुसलमान औरत घूम रही, दो बजे जुमरात को जाइएगा जाते हैं अजीब तरह लगता है, रुको तो वहां से कोई मेला लगा था क्या, बोले मेला नहीं है ये गुलगुलिया लोग। इसलिए तालीम की कमी की वजह से आज बिगाड़ पा रहा है, तालीम की वजह से आज तेरा बेटा मोबाइल और गेम पबजी गलियों में खेल रहा है। जिस उम्र में हाथ में कुरान देना चाहिए था उस उम्र में तूने मोबाइल पहना दिया है। 12 साल का लड़का है, 14,000 का मोबाइल देखकर तुम क्या करते हो। अरे तेरा बेटा यूट्यूब में फेसबुक नहीं लिख पाता है, तेरा बेटा ट्विटर नहीं लिख पाता है, तेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, मोबाइल चलाता है। अरे मोबाइल रखो तो कम से कम उसमें नाम सुन लो तो कम से कम सवाब मिल जाता, अगर तुम उसमें तकरीर सुनो के अमल कर लो तो कामयाब हो जाता। वो नात नहीं सुनेगा, तकरीर नहीं सुनेगा, वो भी भजपुरी गाना आ रहा ही ले छा छा, हमने पूरा खानदान ही लगा वो गाने गाना सुनता है औलमा जा रहे हैं। हे लोगों शर्म करो, हया करो, शर्म को बरकरार रखो, उन 12 15 साल के लड़कों के जिंदगी से मत खेल, वरना ये दौर आएगा चौक चौराहे पे तेरे घर को जला दिया जाएगा, तुम्हारी दुकानों को लूट ली जाएगा।
जाएगी, तुम्हारे बेटे को भी सड़कों पे रोन दिया जाएगा, ना तुम्हारे थाना में कोई सुनने वाला होगा, ना तुम्हारे जिला में कोई सुनने वाला होगा, ना अदालत में तुम्हारा फैसला होगा, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ पूरी दुनिया के लोगों ने मुहिम छेड़ दिया है। मजहब इस्लाम को मिटाने के लिए कैसे कैसे हर बार इस्तेमाल कर रहा है। तेरे घर में टीवी डेली खुलता है, कुरान कभी नहीं खुलता है। तुम डेली घर में मोबाइल खोलते हो, कुरान कभी नहीं पढ़ते हो, मैसेज डेली पढ़ते हो, कुरान नहीं। काश का तू कुरान खोल के पढ़ लिया होता तो उसी कुरान को पढ़ता तो कुरान पढ़ने में सवाब है, कुरान देखने में सवाब है, कुरान छूने में सवाब है, कुरान रखने में सवाब है, कुरान को सीने से लगाना सवाब है। कुरान शरीफ कोई पढ़ता है, कोई बैठ के सुन ले तो उनको भी सवाब। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। डेली मोबाइल खोल के लोग लड़का लो, अगर चार लड़का है, चार को कमरा है, एक लड़का उसमें मोबाइल खोल के फेसबुक, दूसरा लड़का व्हाट्सएप, तीसरा लड़का यूट्यूब, चौथा लड़का का गाना बुढ़वा सुधा, पांचों घर में आवाज आती है। इस घर से गाने का आवाज, वहाँ फिल्म की आवाज, वहाँ सीडी का आवाज, कुरान की आवाज कभी नहीं मिल रही है। हफ्ता बीत गया नहीं, महीना बीत गया नहीं, साल बीत गया नहीं। हे मुसलमानों, ये मसला कैसे उठा पता है? तुम्हारे स्वर्ण को, शिक्षा को छोड़ा है। हे मेरी माँ बहने, आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है, सारठ नहीं जाना है, पथलचट्टी नहीं जाना है, अजमेर नहीं जाना है, कलियर तुझे नहीं जाना, कशोशा तुझे नहीं जाना, अपने शोहर के घर पे रहना। शोहर तेरा मजदूरी करके घर आ जाए, शोहर के बगैर बोले, शोहर के बगैर कहे, उनके खिदमत करना, उनका बिस्तर साफ करना, उनका बिस्तर लगा देना, उनके घर के देखभाल करना, उनके बच्चों की परवरिश करना, और बिन बोले अपने शोहर के पांव दबा देना। 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब शोहर के बिन बोले पांव दबाने में। कितना सवाब, 70 तोला सोना। कोई औरत नहीं जिंदगी में 10% नहीं बांटती, कभी नहीं देगी। और उनको अगर सवाब लेना हो तो अपने शोहर के बगैर बोले खाली पांव दबा दे तो 70 तोला सोना खैरात करने में मेरी माँ बहने जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब बगैर बोले शोहर के पांव दबाने में मिलता है। बगैर बोले पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ कुमकुराम नहीं, सारठ के ऊपर यहाँ को बेटी सब दबाती है पांव, खिदमत करती दूध के धवल। हाँ उधर इधर नहीं दबाएगी। बता आज हम कहाँ पहुंच गए, मेरा हश्र क्या हो रहा है? आज तेरा बेटा पहले का कटिंग, पहले 2 साल पहले लड़का लोग कटवाता था बाल, खड़ा करता था, अब खड़ा नहीं करता है, अभी गिरा देता है। हर बीच में रास्ता, यहाँ पीसीसी, यहाँ रोड, इधर हाईवे, इधर से दुमका चले जाओ, इधर से जामतरा हो जाओ, इधर से मधुपुर। हम बोले हाँ बेटा, इस शहर है, घर है, नक्शा है, पर्चा है, एकदम खत्म है। कोई गम नहीं, एक दौर आएगा 20 साल के बाद, डॉक्टर का रिसर्च हो गया, सुन लीजिए, 20 साल के बाद 20% अंधा, 20% गोंगा, 20% बहरा लड़का समाज में लोग हो जाएगा। मोबाइल जो हेडफोन रखते हैं उसका वायरस से 20% बहरा हो जाएगा। आंख में रोशनी, मोबाइल में लूडो खेल के 3 घंटा देखता है, उसका वायरस निकलता है। पता है आपको, रोशनी नहीं, भीख मांगने के लिए कटोरा खरीद के रख लो, बाद में कहीं झोला भी नहीं मिलेगा। झलवा कहाँ पा भी अपने सीमेंट के बड़ा सी गया है ना, घेचम टांगी चलत मोड़म फिर गया। 3 दिन पर मोबाइल के लगा दिख नहीं गया। इसलिए लोगों, जरूरत है जितनी बातों को मैंने कहा इस्लाह माशरा पे, उन तमाम बातों में अमल करें। इसलिए कि इन दीना इंदल्लाह इस्लाम, तमाम धर्मों में, तमाम मजहबों में, तमाम दीनों में सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे अच्छा, सबसे पाक, सबसे पवित्र मजहब इस्लाम है। जिस इस्लाम को मिटाने के लिए ऐसे ऐसे लोग आए, लेकिन इस्लाम को किसी ने मिटा।
मिटा सका। इस्लाम मिटाने वाले खुद मिट गए। ये वसीम रज़वी क्या इस्लाम क्या कुरान की आयतों को निकालेगा? समाज ने इनको निकाल दिया है। ये आयात को निकाल के बात बता था, इनके वोट के लोगों ने इनके बरादरी के लोगों ने निकाल दिया। पता ये चला कि कुरान मिटाने वाले कल भी मिट गया था, आज भी मिट रहा है, सुबह कयामत तक मिटा जाएगा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, जमाना लाख बदलेगा कुरान। मेरी तकरीर एक घंटा हो गई, कितनी हो गई? एक घंटा हो गई, हो गई। देखिए मैं 20 से तकरीर कर रहा था, 12-20 से एक सोलो हो गया, तो एक घंटा हो गया, और मैं एक ही घंटा भी बोलता हूँ, कह के मैं अंदर से बहुत कमजोर, ऊपर से देखते ठीक ठाक, ये जबरदस्ती है, अंदर से एकदम खत्म, अब से न पढ़ो। और अगर तकरीर भी थोड़ी देर करते, लेकिन आप लोग सुनना नहीं चाह रहे, आप लोग जबरदस्ती सुनने क्या सुनने के मूड में है? आप लोग कितना आदमी सुनना चाहता, चलो हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोई नहीं लागो, ये धार में हाथी लोग ही बहन 10% ठेकान न बोले सगर दिन घर कर। अरे कम से कम उठक बैठक रखो, रोटी पाके रोटी न पाके, अब हम तकरीर कर रहे घमा घमे 10% ठेकान कुछ बिहान लेते घर कर। 2 घंटा करेंगे, कायम करेंगे, हमको 2 घंटा करने में क्या है? लेकिन एगो खाटी बिछा के रखिए, इतना कड़वा तेल मंगा के रखिए, हम मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह फोन कर दीजिएगा कि मौलाना साहब को उठा के ले जाओ लास्ट पे। हां अरे जब माशाल्लाह, देखिए जब जब बीच में उठिएगा, जब इस तरह आएगा मोबाइल क्या टाइम देखने जरूरत है? या ढक का टाइम याद है इसमें लाके ढक दो, टाइम देखना फोन, इससे बड़ा नोट देगा मोबाइल का स्विच ऑफ, इससे बड़ा मिलेगा मोबाइल पर टच, टाइम देखना फोन। अब बीच में उठो बैठक करो तब ना, अब खाली हम गोरा गोरी कर रहे हैं, ये घंटा चल दिया हुआ है, उसी के साथ एक और उठ जाओ, आधार कार्ड बनवाना है, ऐसा नहीं ना बीच बीच में मुस्कुराओ। अरे पॉकेट में अभी नहीं देते लड़का लोग, कसम खुदा की दीन के काम में 10 रुपया नहीं देगा, हर मोड़ पे जाएगा हर एक से चला है ठेला में चिकन चिल्ली चौमिन गुपचुप छोला भटूरा पेट्रोल गाली में डाल लेगा, रिचार्ज कर लेगा, और जब मस्जिद जुमा पढ़ने जाएगा जुमा के दिन तो 10% ठेका नहीं देता, 10 आदमी में का पैसा सलाम फेरने बाद हम लोग पैसा उठाते हैं इलाके में, सलाम फेर लिया, अब कोई उठा हाथ से उठा रहा पैसा, अब गांव के देखेगा चनी छोटी गणमान भद्र मानो आगे सब में बैठेगा, और जब पैसा उठाएगा जी क्या मुंह देगा, सुभान अल्लाह, तो मक्का जाए तो यहां है 10% नहीं देगा, खाली तस्वीर पड़ेगा, अब वो सोचता है कि पेशवा उठाने वाला काहे डिस्टर्ब करेंगे, तस्वीर पड़ रहा है, ये डिस्टर्ब क्या, इतने पेशवा चलते पड़ रहा है, 10% ठेका सुन एक क्या खोलने के दिए लिए ला जाए जैसे क्या मुई 10 आदमी उठा के काट दे। कुमगड़ा वालों अगर 300 घर की आबादी है और अगर एक मस्जिद है और अगर उसमें एक एक आदमी जाते हो 300 होता है, बाप बेटा जाएगा 600 होगा, वो नाती साथ में जाएगा 900, तो 900 आदमी अगर जाओगे एक मस्जिद में 10-10 रुपया करके दोगे तो 9000 रुपया, उसमें अगर 100 भुखमरिया रख दो फिर भी 8000, 100 खत्म आदमी रख दो फिर भी 7000, 100 आदमी भूल जाए फिर भी 6000, 100 आदमी हर मुठा रहा फिर भी 5000, फिर भी 5000, तो बताइए अगर 10% आप मोड़ में जाते हैं 100% खर्चा करते हैं, हाँ तो मोड़ में जाके खर्चा करते हैं, अगर 10% जुमा में डाल देते यही कुंगाढ़ा में 10 साल के बाद करोड़ों का फंड होता, कल एक गरीब की बेटी की शादी रुक जाती उसी फंड से तुम 100-200 खुदा न करे कोई बेटा एक्सीडेंट हो जाए उसके हाथ पाँव में शक्ति खत्म हो जाए, गरीब का बेटा है 10,000 ढलो 50,000 लगे फंड से दे सकता है, कल खुदा न करे कोई दंगा का शक्ल
पहले गांव में सुरक्षा के लिए कुछ तो कर सकते हो, इसलिए खुदा के वास्ते आज से तैयार कर लो। मस्जिद जाएंगे, 10 रुपया डाल के जाएंगे, डब्बे में दे के जाएंगे। और मेरी माँ बहने, आप अपने जिंदगी में बहुत आया, बहुत बार बार क्या कमाया, बहुत पैसा उड़ाया। जब तेरा बेटा जाने लगे छोटा मस्जिद, कहना है बाबू रुक जा, ए बाबू ठहर जा, ए सोना ठहर जा, तू सोना जरूर है, बाबू जरूर है, लेकिन जा बेटा, ये 10 रुपया ले ले मेरे नाम से डाल देना, ये 5 रुपया ले ले अपने दादी के नाम से डब्बे में डाल देना। कसम खुदा की जो जो ही पैसा मस्जिद में बढ़ेगा, उनके अमाल भी बढ़ता चला जाएगा, और उन्हीं के सदमे में कल मैदान में शर में निजात का जरिया। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना हसन झारखंडी साहब। तो ये कहते कमेटी वालों से कि दो आदमी रजिस्टर लेके गेट में खड़ा हो जाओ, एक आदमी घुसेगा 10 टका दे, फिर खड़ा हो खूब, ताकि लोगों को लगे टाइट हो जाओ। अब चूंकि समझाने से नहीं, जब भी मस्जिद में घुसे दरवाजे पे एक आदमी 10 रुपया देते जाओ, घुसते जाओ, 10 टका नहीं हो जो काम सुनो। कसम खुदा की देगा, जिनका ईमान मजबूत है देगा, और यही टीका से ही शिक्षा का काम आएगा, फंडिंग का तेरा होगा, और उन्हीं पैसों से मतलब को बना दो, बेटियों को पढ़ा दो, कल की बेटियां जब 20 साल पहले पीछे पलट के देख, ये कुरान पढ़ने वाली इलाके में बेटी नहीं थी, सजदा करने वाली बहुएं नहीं थी, आज की बेटियां ये जो कुरान घर घर पढ़ रही है, अभी शबे बरात आने वाला है, इसी कुंगड़ा में देखना 10-20 बेटी जाएगी, सीने में कुरान होगा, आंखों में हया होंगे, सर पे चादर होगी, निगाह नीचे करेंगे, वजू को चेक करके चेहरा ढक के कुरान लेके दूसरों के ऊपर कुरान पढ़ेंगे। ये कुरान खाने का सिलसिला किसने किया? कोई मंत्री नहीं आया था, कोई नेता नहीं आया था, कोई विधायक नहीं आया था, कोई SP DSP नहीं आया था, इन्हीं ऑलमाइटी के नाम ने जब मदरसों में मस्जिदों में मेहनत करने लगे, अब ये बेटियां कुरान पढ़ रही है, मैक पे नाम पढ़ रही है। 20 साल पहले इलाके में कुरान खानी लोग नहीं जानते थे, फातिया खानी नहीं जानते थे, शबे बरात जैसी रातों में लोग रात रात भर घरों में सोते थे। आज शबे बरात के मौके पे देखिएगा, मस्जिद को सजा देता है, कब्रिस्तान को जनरेटर से सजा देता है, पूरे गांव में खुशी की लहर होती है, लोग मिलाद खानी करता है। ये उलमा की जमात ने मेहनत की है, इसलिए लोगों उलमा की इज्जत करो, उलमा की कदर करो, उलमा की तनख्वाह में इजाफा करो, उलमा जो कहे मान लो, जब आलिम की बात मान लोगे तेरी बात दुनिया मान लेगी, तुम आलिम के बारगाह में आओगे तुम्हारे कदमों में दुनिया झुक जाएगी, जिधर चलते जाओगे दुनिया कहते जाएगी देखो गुलाम हुसैन है चला जा रहा है, वो गौसो खाजा का दीवाना है जो चला। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ हम सबों को सुनने से जितनी बातों को मैंने पढ़ा, सुब्हानल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्सलाम।